दोस्तों नमस्कार। आज बात करूंगा काफी सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। क्या सिग्नल पर खड़े या मॉल के बाहर बैठे हुए भिखारियों को हमें भीख देनी चाहिए? कुछ लोग काफी दयालु होते हैं, मैं नहीं हूं। कुछ लोगों का दिल काफी जल्दी पसीज जाता और वो इन्हें भीख दे देते हैं। क्या हमें इन भिखारियों को ये भीख देनी चाहिए? क्या ये पैसा जो दिन भर इकट्ठा करते हैं वो रात को इन्हें मिलता है? क्या भीख देना सही है? आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है सोशल टॉक्स बाय गौरव पे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। तो हमारे देश में लगभग 5 लाख भिखारी हैं, यानी लगभग 500,000। कई स्टेट्स में भीख मांगना क्राइम है, जुर्म है। बेंगलोर सरकार ने एक बार एक कैंपेन भी चलाया था। उस कैंपेन का मोटिव था लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि वो भीख ना दें। दोस्तों एक कड़वी सच्चाई ये है कि दिन भर भीख मांग रहे ये लोग जो भी आपको दिखाई देते हैं ट्रैफिक सिग्नल पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टॉप पर, मॉल के बाहर, मार्केट में, ये सभी भिखारी एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग के मेंबर हैं। इनका एक लीडर होता है जो इन्हें कंट्रोल करता है। ये दिन भर भीख मांगते हैं और शाम को जाकर उस लीडर को पैसे दे देते हैं। उन पैसों में से वो लीडर कुछ पैसे अपने पास रख लेता है और कुछ पैसे इन्हें दे देता है। अगर शॉर्ट शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ये लाखों की इंडस्ट्री है भीख मांगना। जी हाँ, सिग्नल पर खड़ी औरत, जो भी बच्चा आपको दिखाई देता है, किसी का हाथ तोड़ दिया जाता है, किसी का पैर टूटा हुआ आपको मिलता है, तो वो बच्चे एक गैंग के ही मेंबर हैं जिनका एक लीडर है जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है। इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अकॉर्डिंग हर साल 40,000 बच्चे किडनैप किए जाते हैं और उन्हें मजबूर किया जाता है भीख मांगने पर। किसी का जान पूछ कर पैर तोड़ दिया जाता है, किसी का जान पूछ कर मुंह जला दिया जाता है। तो ये सभी जान पूछ कर किया जाता है ताकि लोग उसको भीख दे सकें। सबसे ज्यादा भिखारी उस जगह पर मिलेंगे जहां पर टूरिस्ट्स का आना जाना होता है, क्योंकि कई अमीर देशों से आए हुए लोग इस चीज़ के आदि नहीं होते। उन्हें आदत नहीं होती इतनी गरीबी देखने की, इतनी ख़राब हालत में किसी को देखने की, तो उनसे भीख आसानी से इन भिखारियों को मिल जाती है। दोस्तों 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 की जनगणना के अनुसार वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भिखारी पाए जाते हैं। बच्चे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं भीख मांगते हुए। आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल पर या कहीं पर भी एक औरत एक बच्चे को लेकर आती है और कहती है कि इसको खिलाने के पैसे नहीं हैं। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, वो बच्चा भी उस औरत का नहीं होता। बच्चों को भी किराए पर लिया जाता है ताकि लोगों की सिंपैथी वो गेन कर सकें और इतनी ख़राब हालत देख कर लोगों का दिल पसीज जाए और वो उन्हें भीख दे सकें। अपने बच्चे देखे होंगे जिनके हाथ नहीं होते, किसी का पैर नहीं होता, किसी का आधा फेस जला होता है। तो दोस्तों ये कंडीशन उनकी जान पूछ कर करी जाती है ताकि लोग उन पर दया करें और उन्हें भीख दे दें। अगर आपने ऐसे बच्चों को भीख दे दी है तो आपने इंतजाम कर दिया है एक और बच्चे के हाथ पैर तुड़वाने का। आपने उन्हें इनक्रेज कर दिया है, जो भी इन गैंग के लीडर हैं उन्हें इनक्रेज कर दिया है कि हाँ, इस कंडीशन में अगर बच्चे को डाल देंगे तो पब्लिक भीख जरूर देगी। अब बात यह है कि इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों सॉल्यूशन यही है, जब भी आपके पास कोई भिखारी आए, कोई बच्चा आए, कोई औरत आए और कहे कि मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, इस बच्चे को खिलाने के पैसे नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है, आसपास अगर कोई खाने का स्टॉल है तो जाकर उस स्टॉल पर स्टॉल वाले को पैसे दें और अपने हाथ से खाना लेकर उस भिखारी को खिलाएं उस अपने सामने। दोस्तों कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने पैसे दे दिए स्टॉल वाले को कि भाई 100 रुपये हैं, इनको खिला देना। तो होता क्या है, इन ये इतने फैले हुए हैं, इतना दिमाग है इनमें, वो स्टॉल वाले के साथ भी इनकी पार्टनरशिप होती है कि 100 रुपये मिले हैं तो भाई 40 तू रख ले, 60 मेरे को दे दे। तो पैसे ना दें, अपने सामने खाना खरीदें और उस भिखारी को दें और अपने सामने ही खिलाएं। यही बेस्ट तरीका इन भिखारियों से निपटने का, और ज़्यादा भावनाओं में बहकर इनको पैसे ना दें। तो जैसा मैंने आपको बताया, एक इनकी पूरी ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, ये $multi-million की इंडस्ट्री होती जा रही है भिखारी। आपने भी कई बार न्यूज़ में सुना होगा भारत में सबसे अमीर भिखारी गाड़ी में भीख मांगने आता है। तो दोस्तों ये इतने मजबूर है नहीं जितना ये खुद को दिखाते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है
तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ जिससे आपका ज्ञान बढ़ता रहे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।